आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टूटा हुआ नल की थ्रेड निकालकर नया नल कैसे लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये लॉन्ग बॉडी लगी थी, जैसे यहाँ पर लगी हुई है दो लॉन्ग बॉडी, तो उसकी ये थ्रेड टूट के इसके एल्बो के अंदर ही फंस गई है। तो हम इसको बहुत ही यहाँ पर आसानी से निकालने वाले हैं। आप अगर प्लम्बर हैं तो आपको ये थ्रेड निकालनी नहीं आती, तो आप इस वीडियो में 2 मिनट बने रहें, आप इसकी थ्रेड निकाल कर टूटियाँ लगाना सीख जाइए। अगर आप बिना प्लम्बर के ही ये थ्रेड निकाल कर नया लॉन्ग बॉडी लगाना चाहते हैं, तो आपको इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 टूल की मदद से इसको निकालने वाले हैं, जो कि हर घर में ये टूल होते हैं। एक हमारे पास है ये रेती, और एक है हमारे पास ये हथौड़ी, जो कि हर घर में होता है, और एक हमें चाहिए प्लास, जो कि हमारे पास ये है, ये वो प्लास है, आपके घर में प्लास होगा उससे भी चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं अपना। हम रेती डालकर इसको हल्के हल्के ठोक लेते हैं। दोस्तों वैसे तो ये रेती हर घर में होती है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको ये मार्केट से या कबाड़े से ही मिल जाएगी, मार्केट से 40-50 रुपए की मिल जाती है, जो कि चाकू वगैरह पर धार लगाने के लिए काम आती है, तो आप इसको ला कर रख लें। हमने ये थोड़ा सा ठोक लिया है, अब हम इसको हल्का सा ये प्लास की मदद से घुमाएंगे। ये सब कुछ आपके लाइव सामने लाइव कर रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, बस इसमें हल्की सी फंस जाती है और फिर इसको निकल जाती है। अगर और नहीं ठोके तो हल्की और ठोक लेना है, ताकि ये आसानी से घूम जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी थ्रेड आसानी से घूम चुकी है। ये दोस्तों बहुत ही आसानी से, इसमें ये धार टाइप की बनी हुई होती है, तो ये अंदर तक इसको काट भी जाती है और इसमें अच्छे से पकड़ कर बना लेती है। कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, इसमें कट मारते हैं तो फिर वो पेच कस से निकालते हैं, तो ये थ्रेड इसकी अंदर की एल्बो की थ्रेड खराब हो जाती है। आपको अगर ये हमारी CPVC की एल्बो है, अगर आपकी GI की एल्बो हो तो आपको यहाँ पर रिंच पे लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर UPVC CPVC में ये आराम से हो जाती है। अगर GI की है तो इसमें GI की भी हमने बहुत प्यार से खोलते हैं इससे, बस ये है थोड़ा सा इस पर रिंच लगाना, पाइप रिंच लगाना पड़ता है। तो हमारी यहाँ पर थ्रेड निकल चुकी है, अब हम इस पर, ये है हमारे पास लॉन्ग बॉडी, हम इस पर टेबल टेप लगाएंगे और इस पर टाइट कर देंगे। यहाँ पे हम टेबल टेप लगा लेते हैं। यहाँ पर इनके पास CP कैप भी लगती है, किसमें आपके पास CP कैप हो तो CP कैप इसमें लगाकर इसमें चढ़ा लेना। यहाँ पर इन दो लॉन्ग बॉडी में भी CP कैप नहीं है, तो हम इसमें भी नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको चढ़ाए थे। अब हमने यहाँ पर टेप लगा लिया अच्छे से, अब यहाँ पर इसको टाइट कर लेते हैं। इसको दोस्तों हाथ से ही घुमा लेना है अच्छे से। यहाँ पर ये बहुत आसानी से हाथ से ही टाइट हो जाती है, जैसे कि आप देखते होंगे ये हाथ से ही टाइट हो गई है। आपको तीन से चार राउंड घुमा देना है, और यहाँ पर हम इसमें पानी चालू करके देखते हैं। ये गीजर का हमारी ये पॉइंट था, यहाँ पर ये गीजर है, और यहाँ पर ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये पानी चालू घूमता है। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम YouTube पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।